हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है अनीशा और स्वागत है आपका मेरे चैनल। सो स्क्रंची एक ऐसी चीज है जो आपको हर लड़की के ड्रेसिंग टेबल पे जरूर मिल जाएगी। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है और मार्केट प्लेसेस में आपको हर जगह मिल जाएगा। बट अगर आपको इसे अपने किसी ड्रेस से मैच करना है या फिर अगर आपको अपने पुराने फैब्रिक्स का यूज करके कुछ बनाना है, सो स्क्रंची इज द बेस्ट। लेकिन अगर आपके पास स्विंग मशीन नहीं है बट आपको हैंड स्ट्रिंग आती है तो भी आप इसे जरूर बना सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्क्रंची बनाने के लिए आपको चाहिए फैब्रिक, मेजरिंग टेप या फिर आप इंचेस वाली स्केल भी यूज कर सकते हैं, निडल एंड थ्रेड, सेफ्टी पिन, इलास्टिक एंड सीजर्स। स्क्रंची बनाने के आप कॉटन का या फिर साटन का फैब्रिक यूज कर सकते हैं। मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज किया है। ये हम मीडियम साइज या स्टैंडर्ड साइज का बना रहे हैं। सो इसका जो विड्थ है वो है 4 inches एंड इसकी जो लेंथ है वो है 21 inches। अगर आप स्मॉल या लार्ज साइज का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। स्क्रंची बनाने के लिए हम लोग पहले फैब्रिक के जो एक एंड है उसे हम लोग फिनिश करेंगे। इसके लिए आपको फैब्रिक को ऐसे कुछ फोल्ड करना है एंड इसके ऊपर आपको स्टिच करना है। सो पहले आप इसे कॉर्नर से लॉक कर दीजिएगा। 2-3 बार इसे आप स्टिच कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर नॉर्मल स्टिच कर सकते हैं। एक साइड से स्टिच कंप्लीट होने के बाद आपको फैब्रिक को रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देना है। अभी इसका जो ओपन साइड है उसमें आपको नॉर्मल स्टिच कर देना है। बस इसके स्टार्टिंग और एंडिंग में अच्छे से लॉक कीजिएगा। स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक सेफ्टी पिन की हेल्प से फैब्रिक को राइट साइड में टर्न करना है। फैब्रिक टर्न करने के बाद आपको एक 7 inch का इलास्टिक लेके सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको इसे अच्छे से नॉट बांध लेना है। इसके बाद फैब्रिक का जो एक एंड हमने फिनिश किया था और दूसरा जो अनफिनिश एंड था उसको आपको इसके अंदर डालना है और इसके ऊपर भी आपको इसे स्टिच कर लेना है। अगर आप इसमें अंदर की साइड से स्टिच करेंगे तो ये विजिबल नहीं रहेगा बाहर और ये ज़्यादा फिनिशिंग वाला दिखेगा।